ये है परम पुण्य क्षेत्र पंढरपुर। यहां पर बसे हुए हैं परम पूज्य श्री पांडुरंग जी। विष्णु जी के अनेक नाम हैं, जैसे सारी नदियां पर्वत की चोटी पर जन्म लेकर अंत में सागर में विलीन हो जाती हैं, वैसे ही किसी भी नाम से पूजा करें वो विष्णु भगवान को ही समर्पित होगी। विष्णु जी अपने भक्त पुंडलिक को दर्शन देने के लिए वैकुंठ से भूलोक पर पधारे। ये वही पुण्य क्षेत्र है पंढरपुर। जब भागीरथ गंगा जी को भूलोक पर लेकर आए, उसमें से अनेक नदियां उद्भव हुई। उन्हीं में से एक है ये पवित्र चंद्रभाग नदी। इस पवित्र नदी में नहाकर पांडुरंग के दर्शन के लिए भक्त जाते हैं। जैसे भक्त भगवान को ढूंढते हुए आते हैं, वैसे ही भगवान भी भक्तों के पास जाते हैं। ये जगह इस बात को दर्शाती है, विठल कहीं भी रहें पर उनकी आराधना सब करते हैं। भारत के कोने कोने से सब धर्म के लोग अपनी जात पात को भूलकर इस क्षेत्र में आकर पुण्य प्राप्त करते हैं। ये एक सर्वधर्म समन्वय क्षेत्र है। माना यह जाता है कि विष्णु जी घोड़े पर सवार होकर इस पुण्य क्षेत्र में पधारे थे, इसलिए आज भी घोड़े को यहां पर पूजा जाता है। उत्सव के शुभ दिन पर घोड़े की विशेष पूजा की जाती है। आज पूर्णिमा है, ब्रह्मोत्सव का शुभ दिन है। पांडुरंग को मनोहर रथ पर बिठाकर यात्रा की जाती है। इस भारी भीड़ को देख रहे हैं? जरा इनकी भक्ति को देखिए, इनके उत्साह को देखिए। भूलोक में भक्ति का नया इतिहास रचने वाली है। नारियों में श्रेष्ठ थी परम भक्त श्री सती सकुबाई। पांडुरंग के पास ही इसका भी एक मंदिर है। सती सकुबाई भक्ति से पांडुरंग के लिए दही को मथकर मक्खन अर्पण किया करती थी, और ये सती सकुबाई का अपने हाथों से बनाया हुआ बर्तन है, और ये सकुबाई के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली चक्की है। उस माता के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सभी वस्तुएं पूजा की पात्र हैं और उस महाभक्त की कथा को बयान करती हैं। ये कथा है पांडुरंग की लीलाओं की और भक्तों की उनके प्रति प्रेम की। उन्हीं में से एक कथा है सकुबाई की। सती सकुबाई का जीवन क्या है? ये कथा एक अनोखे सिनेमा के रूप में आपके सामने लेकर आए हैं। ये सिर्फ एक कथा ही नहीं, बल्कि पांडुरंग के चरणों में हमारी भक्ति पूर्वक वंदना है।
शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी हृद्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। पांडुरंग तीनों लोकों के स्वामी हैं। श्री हरि के नाम का स्मरण ही मुक्ति का द्वार है। जब महर्षि नारद मुनि गर्भवती कयाधु देवी को हरि नाम की महिमा के बारे में बता रहे थे, तब थकी हारी कयाधु देवी सो गई और उसी समय एक नन्हे से बच्चे का स्वर गूंज उठा और महर्षि नारद चकित होकर यहाँ वहाँ देखने लगे। मैं हूँ गुरुजी, यहाँ गर्भ से शिशु की आवाज आई। तब नारद मुनि को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसी समय गर्भ के शिशु को श्री हरि की लीला और महिमा नारद जी ने सविस्तार बताई। इसीलिए गर्भवती महिलाएं हमेशा ही अच्छी बातें सुनना और बोलना चाहती हैं, ऐसा बुजुर्गों का कहना है। क्या हुआ गोदावरी? चलो इसे जल्दी से अंदर लेके चलो, चलो। काकी जरा सब्र करो। काकी सुनिए ना। जरा रुको। क्या हुआ काकी? बेटी हुई है, हिलती भी नहीं, हाथ पैर सुन है, रोती भी नहीं। हे भगवान, कितनी मन्नतों के बाद संतान प्राप्त हुई तो भगवान ने ऐसी बच्ची दी, मेरे तो कर्म ही फूट गए। क्या करूं? धैर्य रखो बंधु। काकी, क्या मैं बच्ची को देख सकता हूँ? आज जन्माष्टमी का दिन है, ये बच्ची बड़े अच्छे समय पर पैदा हुई है। भगवान पत्थर की मूर्ति के रूप में रहते हैं, पर उनका हृदय कितना कोमल है। प्रभु करुणा के सागर हैं। पांडुरंग, देखी पांडुरंग की महिमा? बच्ची ने आंखें खोल दी, हाथ पैर हिलाने लगी। ये लीजिए, संभालिए। पांडुरंगा, पांडुरंगा, धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। यहाँ बैठ के खेलना बेटी। सकू कहाँ गई? सकू, अरे यही तो खेल रही थी अभी। खिलौने सब तो यहीं पर है। सकू, 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 यहाँ आइए ना, जल्दी आइए। क्या हुआ? देखिए ना कृष्ण कन्हैया को झूले में किस तरह से झुला रही हमारी बेटी। ऐसा तो होना ही है, पांडुरंग के आशीर्वाद से इसने आंखें खोली है। पांडुरंग, 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 भवति बिच्छान देहि।
गुरुजी गुरुजी मुझे आशीर्वाद दीजिए। दीर्घायुष्वती हो, उठो। मेरा ये हार लेके अपने तुलसी की माला देंगे गुरुजी? बेटी ये सोने का हार है। मुझे ये तुलसी माला ही अच्छी लगती है। वाह, इस उम्र में तुम्हें तुलसी की माला से इतना मोह है बेटी। पांडुरंग की इच्छा। I'm not afraid.
कहाँ थे नारायण दास जी, दिखाई ही नहीं दिए। जमीन की देखभाल के लिए चला गया था। हाँ। जीजा जी, सक्कू कितनी बड़ी हो गई है। सक्कू बड़ी हो गई है ये आपको दिख रहा है ना भैया, पर आपके जीजा जी को नहीं दिखता। उसके लिए वर ढूंढना है, शादी करवानी है, इसकी चिंता है आपको। अरे ढूंढने से शादियां नहीं होती, सबके लिए एक समय होता है और सही वक्त आएगा तो सक्कू की शादी खुद ही हो जाएगी। अब बस भी कीजिए, लड़की को घर पे बिठा के रखोगे तो लड़का थोड़ी ही दरवाजे पर आएगा। ये सब काम चार लोगों से मिलने से ही होगा ना। जीजा जी, मेरी नजर में एक नरसापुर का लड़का है, नाम है श्रीपति, खानदानी है, घर में भी कोई कमी नहीं है। अगर आप हाँ कहे तो मैं बात आगे बढ़ाऊँ। अरे क्यों नहीं भाई, जल्दी से बात बढ़ाइए ना भैया। नारायण दास जी, दूसरों के बारे में मैं नहीं जानती, सुन लो, पर हम लोगों को किसी भी चीज की कमी हुई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। नारायण दास जी, बुरा मत मानिए, हमारी सासू माँ की जुबान थोड़ी लंबी है। हाँ हाँ, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आरती लो। क्या कहा? मेरी माँ की जुबान लंबी है? घर आना, फिर तो झोड़ से बात करूंगी। इसके सिवा कर भी कह सकती हो। लीजिए। इतनी तो सुंदर है, मुझसे ज्यादा नहीं। अरे ये कहाँ जा रही है? दीर्घ सुमंगली भव। बेटी, आज से पति ही तुम्हारा परमेश्वर है, सास ससुर ही तुम्हारे माँ बाप हैं, वही तुम्हारा सारा परिवार है। तुम उनको खुश रखना और माँ बाप का नाम रोशन करना, पांडुरंग तुम्हारा भला करेंगे। माँ, देख रही हो उसे? शादी के मंडप में तुम्हारे पैर छूने से पहले मटकती मटकती उस दाढ़ी वाले के पास जाकर उसके पैर छू रही है। हम सब यहाँ इंतजार कर रहे हैं, क्या कर रही है आपकी बेटी अंदर? सक्कू जल्दी आ बेटी, सक्कू। सुखी रहो। आयुष्मान, ये देखो तो, देखो तो, ऐसे शुभ समय पर ऐसे रो रही है जैसे इसका कोई मर गया हो। अरे ये कैसी बात कर रही हैं आप, ये भी बच्ची है, ये ससुराल जा रही है तो माँ से बिछड़ने का दर्द तो हो गई। बेटी को क्या मौत के मुंह में भेज रहे हो? पति के घर ही तो जा रही है, औरत के इतने नखरे मैंने तो कभी नहीं देखे। तुम कहाँ से देख पाओगी? हाँ? बेचारी, शक्ल देखो इसकी। क्या कहा? आप, आपकी बेटी, आपकी माँ, सब लोग मायके में ही रही हो ना, तो तुम कहाँ से देखोगी? इसीलिए मैंने ये सब कहा। हाँ, चलो चलो यहाँ से। मामा माँ, मैं भी डोली में बैठ जाऊँ? रुक जा, तू कहाँ चली? जिस दिन मैं डोली लेकर आया था उस दिन तो तू माँ के आंचल के पीछे छुप गई थी। बाप रे, आज सक्कू भाई की डोली में बैठने चली हो? आ जाओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं लेकर चलता हूँ तुम्हें। मैं गधे की पीठ पर नहीं बैठती, समझे? चलो भाई जल्दी डोली उठाओ। श्रीपति, सक्कू भाई का ध्यान रखना, उसके मन को ठेस मत पहुँचाना। चुप रहिए जी, मेरा भाई सब जानता है। ए, जानता होगा, फिर भी मुझे बोलना तो पड़ेगा ना। चलिए। धीरज रखो भगवान। बेटी से पैर से अंदर की तरफ धकेल दो।
बहुत सुंदर जोड़ी लग रही है। आपकी बहू बहुत सुंदर है। क्यों री, मेरी सुंदरता को क्या हुआ? मेरी सुंदरता देखकर ही इन्होंने मुझे पसंद किया, मुझसे शादी की और यही रह गए। पांडुरंग, जवानी में मैं कैसी थी पता है तुम लोगों को? सब पता है। आप अष्टलक्ष्मी हैं और आपकी पुत्री गजलक्ष्मी है, इसीलिए मेरे ससुर ने आप दोनों के पुतले दरवाजे के ऊपर लगा दिए हैं। वो देखिए। पांडुरंग, तुमसे इस मंडप की शोभा बढ़ गई है। शोभा नहीं बढ़ी है, कयामत आ गई है, कयामत। सुन, मेरे पति और इसके पिता पांडुरंगा पांडुरंगा कहते कहते कहाँ गायब हो गए पता ही नहीं चला। इसलिए इस घर में पूजा नहीं, इसलिए इस घर में कोई भगवान की मूर्ति नहीं है और कोई पूजा नहीं होती। ए, क्यों झूठ बोल रही हो तुम लोग? माँ बेटी दोनों मिलकर सुबह शाम पूजा करती हो ना मेरी। मैं भगवान हूँ ना तुम्हारा। क्या कहा? मैं तो मजाक कर रहा था। क्या कर रही हो माँ? सक्कू ने अभी अभी घर में कदम रखा है, तुमने अभी से शुरू कर दिया। श्रीपति, मैं इस घर की मालकिन हूँ और इस घर में सिर्फ मेरी ही बात चलेगी, समझे? जो चाहो करो। सासू माँ, क्या आप बुरा ना माने तो मैं भी कुछ कह दूँ क्या? चल बोल। कह दूँ? कहो ना। सासू माँ, सक्कू भाई पांडुरंग को अपने मायके से लेकर आई है, उसे अपने कमरे में रखकर पूजा करने की अनुमति दे दो ना सासू माँ। ठीक है मैं चलता हूँ। सकू, तुम सारे जेवर उतार कर यहाँ रख दो और घर का काम संभालो। हाँ, हम तुम्हारी तरह डोली में बैठकर नहीं आए हैं, चल के आए हैं। मैं तो घर का काम नहीं कर सकती। और सुन, वो रेशम की साड़ी उतार के रखना। श्रीपति, चिंता मत करो, चलो मेरे साथ। देखा तुमने है कैसे लोग हैं ये सब, कितने गैर जिम्मेदार हैं। सारे चावल यही पड़े हैं और वो अंदर जाकर बैठ गई हैं। देखो श्रीपति, आज बहू पहली बार घर में आई है। अरे चार भाई लोगों को खाना खिलाना तो दूर, कम से कम मिठाई ही बंटवा देते हैं। मेरी माँ का स्वभाव तो आप जानते ही है ना, मैं दूसरे की बेटी को इस दलदल में लाकर फंसाना नहीं चाहता था, इसीलिए तो मैं शादी नहीं कर रहा था। आप लोगों ने मेरी शादी करा दी, अब जीवन भर उसे भुगतना पड़ेगा। चिंता मत करो श्रीपति, सक्कू भाई है ना शांत स्वभाव की है, उसके आने के बाद से इस घर में शांति बनी रहेगी, पांडुरंग सब ठीक कर देंगे। सक्कू, माँ की बातों का बुरा तो नहीं माना? नहीं तो। बात बात पर टोकती रहती हैं, उनका स्वभाव ऐसा ही है। बड़ों का तो हक बनता है हम छोटों को समझाने का, और वो तो हमारी भलाई के लिए कहती हैं। तुम कितनी समझदार हो सक्कू। आप भी तो। खाओ ये लो। सकू, एक बात पूछू तुमसे, सच सच बताओगी ना? तुम्हारी आशाएं क्या है? बस यही कि आप खुश रहें। और कोई दूसरी इच्छा? पंडरपुर जाना चाहती हूँ, पांडुरंग के दर्शन करना चाहती हूँ, ब्रह्म उत्सव देखना ही मेरे मन की इच्छा है। अच्छा, मुझे पंडरपुर ले चलेंगे? ओ, माँ का आशीर्वाद लेकर दोनों साथ में चलेंगे।
सुबह सुबह कौवे के सुर में चिल्ला रही हो और ऊपर से झूला झूल रही हो मेरे सामने, शर्म नहीं आती तुझे? सासू माँ, सक्कू भाई चिल्ला नहीं रही थी, पूजा कर रही थी, भगवान की प्रार्थना कर रही थी। हाँ माँ जी, मैं पांडुरंग से प्रार्थना कर रही थी। आहा, उसकी प्रार्थना करने से क्या होता है? क्या वो आकर हमारे घर का काम करेगा? कान खोल कर सुन ले, मेरी बात याद रखना, अगर सुबह सुबह इस तरह से फिर से चिल्लाए ना तू, तो तेरे हाथ पैर तोड़कर तेरे पांडुरंग के साथ तुझे बाहर फेंक दूंगी। माँ जी, भगवान की प्रार्थना करना अपराध है क्या? हाँ, अपराध ही है। ऐसे ही प्रार्थना करते करते श्रीपति के पिताजी बैरागियों के पीछे भाग गए। मेरे ससुर जी बैरागियों के पीछे नहीं भागे, बल्कि तुम दोनों के डर से यहाँ से भाग गए। पर मैं नहीं भागने वाला। अच्छा, इसका मतलब तुम्हारी बीवी प्रार्थना करती रहे और हम घर का काम करें पूरा दिन? सत्यभामा, हर बात का बतंगड़ बनाकर तुम झगड़ा क्यों करती रहती हो? देखो ना माँ, कैसी बातें कर रहा है भैया, दो ही दिन में मेरा हाल हो गया। चुप हो जाओ। ए सत्यभामा, सकुबाई इस घर की बहू है, वो चाहे कुछ भी करे, ये इनके आपस की बात है। तुम्हारा यहाँ क्या काम है? शादी ब्याह सब हो गया ना, अब तुम बोरिया बिस्तर बांधो और चलो मेरे साथ। मैं नहीं चलने।
जाने वाली माँ। चलेगी तो तेरी माँ भी। शक्ल देखिए अपनी, दो कमरे का घर नहीं, मेरी बेटी वहाँ रहकर क्या करेगी? वो यहीं रहेगी। अगर शादी के बाद इसी घर में रहना था तो मेरे साथ शादी क्यों की? तुम ही कुछ कहो ना। ये ठीक कह रहे हैं, इनके साथ जाना ही तुम्हारा धर्म है भामा। तुमसे पूछा किसने? घर का सारा काम मैं ही करूँगा, तुम बस चुपचाप बैठी रहना। श्रीपति, इस घर में सही गलत का फैसला करने का अधिकार सिर्फ मुझे है। पशुपति, मेरी बेटी तुम्हारे घर नहीं जाएगी। तुम चाहो तो इस घर में रह सकते हो, लेकिन घर के अंदर नहीं बाहर सोओगे। मैं बाहर जाकर आपकी बेटी के साथ सोऊंगा तो लोग क्या कहेंगे? तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ बाहर सोऊंगी? मैं अकेला बाहर क्यों पड़ा रहूंगा? मैं कोई कुत्ता हूँ क्या? देखो ना कैसी बातें कर रहे हैं। तुम चुपचाप मेरे साथ नहीं चलोगी ना, तो मैं भी सारा घर बार बेच कर यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। तुम घर बेचो या दुकान बेचो, मुझे उससे क्या? ये बात है, ठीक है तो मैं चलता हूँ। अरे जीजा जी रुकिए ना, कहाँ चल रही पति? जब वो मेरे साथ आने के लिए तैयार नहीं है तो मेरा यहाँ पर क्या काम है? चलता हूँ मैं, जा रहा हूँ मैं, जा रहा हूँ मैं। जाओ। सक्कू भाई, इस घर का दामाद बनकर मेरी जिंदगी तो नरक बनकर रह गई जैसे इस घर में, लेकिन श्रीपति भाग्यवान है जो उसे तुम्हारी जैसी पत्नी मिली। तुम इस घर की देखभाल करना, श्रीपति अच्छा आदमी है। सक्कू भाई, पांडुरंग तुम्हारे साथ है, वो हमेशा तुम्हारा भला करेंगे, हमेशा भला करेंगे। बेचारी, इन कसाईयों के घर में भगवान ने कैसी बहू भेज दी है, और अब इन लोगों के बीच में ये कैसे जिंदा रहेगी भगवान ही जाने। जा रहा हूं मैं। ये क्या कर रही हो माँ, अपने ही हाथों अपनी बेटी का भविष्य खराब कर रही हो तुम। श्रीपति, अपनी माँ से जबान लड़ाता है, ये हिम्मत कहाँ से आई? सिर्फ समझा रहा हूँ तुम्हें। सुनो माँ, इसमें गलती भैया की नहीं, तुम्हारी कल की आई हुई वो जो बहू है ना, उसकी है। सक्कू के बिना ये घर बड़ा सोना सोना लगता है। सच कह रही हो, बेटी पराई होती है, अगर बेटा होता तो ब्याह कर बहू घर लाता। मुझे उस बात का दुख नहीं है, उस घर में सक्कू कैसी है मुझे इस बात की चिंता है। अब उसका क्या है, अच्छा पति है और पैसे वाला खानदान है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, डोली उठते वक्त उसकी सास जिस तरह से बात कर रही थी, मुझे उसी बात का डर है। उस बात को भूल जाओ, बातें कैसी भी करती हो लेकिन औरत बहुत अच्छी है, और वैसे भी हमारी सक्कू सबसे घुल मिल कर रहती है, आखिर वो हमारी बेटी जो है। पांडुरंग, गोपाला, कितना सुंदर है तुम्हारा चेहरा, बस देखते ही रहने को मन करता है। अरे हाथों में माखन रखकर कहाँ खो गई है तू? पांडुरंग के ध्यान में थी। तुम पांडुरंग का ध्यान करती रही तो हमें खिलाएगा कौन, इसे यहाँ रख दे। और सुन, ये दही ले जाकर वहाँ रख दे। माखन में कृष्ण ढूंढ रही थी। कन्हैया, करमजली ये क्या कर रही है तू? सारा दही मिट्टी में मिला दिया और ये मटका भी फोड़ दिया तूने। माँ जी, कृष्णा। कृष्णा भी नहीं, रुक्मिणी भी नहीं, तुझे ऐसे ही छोड़ दिया मैंने तो पूरे घर का सत्यानाश कर देगी तू। जली देख रहे हो बड़े घर के दामाद को? हे पांडुरंगा, बेचारे पशुपति को इस हाल में देखा नहीं जाता। सच कहा तुमने, क्या हुआ है मुझे?
परमात्मा पांडुरंग को भी राम के अवतार में संकट का सामना करना पड़ा था। उन्होंने भी सीता को घर से निकाल दिया था। मेरा भी ऐसा ही हाल है। पर तुम्हें बीवी ने निकाला कैसे? सिर्फ बीवी ने ही नहीं भैया, माँ और बेटी दोनों ने मिलकर आरती उतार कर पिछवाड़े पे लात मार कर निकाला है मुझे। बड़ा बुरा हुआ, कर्म का फल, पानी भी नसीब नहीं होता। पानी लाना पड़ेगा, एक बूंद भी पानी नहीं है। हमारा पशुपति पति बनने के बाद अनाथ हो गया। गुरपत, जिन्होंने भी शादी की है ना, उनका यही हाल हुआ है। क्या कह रहे हो? हाँ, मुझे देखो, सूख कर कैसे काटा हो गया। सच कहा बेटा, तुम तो नजर ही नहीं आ रहे हो। पशुपति का कहना है कि हमें अपना सब कुछ छोड़कर उसका शिष्य बन जाना चाहिए। क्या कहते हो तुम? आज ही बन जाते हैं। कम से कम भरपेट अन्न तो मिलेगा। वो देखो। ओह, अब समझा तुम्हारी तकलीफ, बेबी से भी छुटकारा। वो सोना भाई के गहने देखे तुमने? देखे मैंने। ए पशुपति, क्या हुआ? पानी भरने तू क्यों जा रहा है? शांता भाई, ऐसा है कि अपना काम खुद ही करना चाहिए ना। तुम्हारी बीवी कहाँ गई? मायके में बैठी है। मायके में बैठने के लिए शादी की थी क्या? क्योंकि उसकी माँ भी हमेशा मायके में ही रही है। लगता है उसकी नानी भी वहीं पर रही होगी। उसकी माँ को रहने दो, अपनी बीवी को तो ले आते। आने को तैयार हो तो ले आओ ना। अरे उससे शादी करने के बाद तो ऐसा लगता है मेरे भाग ही फूट गए हैं। बहुत प्यास लग रही है, जाता हूँ पानी ले आता हूँ। बेचारा, सुन लिया तूने? मैं तो शादी होते ही चली आई थी मायके। अरे मैं तो शादी से पहले ही घर छोड़कर ससुराल जा धमकी थी। अब चलो भी। चल चल चल। क्या मेरी बीवी ने मुझे घर से निकाल दिया, ये बात गांव वालों को बड़ी अटपटी लग रही है। मेरा कर्म, जो मुझे सत्यभामा मिली, इसी वजह से कृष्ण भगवान ने इतनी सारी शादियां रचाई थी। एक भाग गई तो दूसरी आ जाती थी। मैं भी दूसरी शादी करना चाहता हूँ, पर मेरी कहानी सुनकर मुझे अपनी लड़की कौन देगा? सुन लिया, अब करेगा दूसरी शादी? क्यों ना करूँ, मैं क्या जिंदगी भर ऐसे ही रहूंगा कुआरा। क्या हो गया तुझे? कहाँ से आ रही है? मंदिर से भागकर आई हूँ ना, इसलिए। मंदिर के पास? वहाँ क्यों गई थी? माँ, शको के कमरे में जो कृष्ण की मूर्ति थी ना, उसे मैं तालाब में फेंक कर आई हूँ। अब देखना, शको इस घर में पूजा नहीं कर पाएगी। बहुत अच्छा काम किया मेरी अच्छी बेटी। कृष्ण की मूर्ति कहाँ गई? माजी, 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 आपने कहीं कृष्ण की मूर्ति देखी? हमारा कृष्ण माया भी है ना, सो गायब हो गया है ना माँ? क्या वो सोने का था या चांदी का? जो तो इतना परेशान हो रही है, चल जा। माँ, पानी देना तो। अभी लाती हूँ बेटी। माँ जल्दी देना ना। हाँ? अरे पानी कहाँ गया? माँ पानी देना ना। ये पानी क्यों गायब हो गया? माँ क्या कर रही हो? पानी देना ना जल्दी। इसमें तो है पानी, अभी लाती हूँ। ले पी। ये
ये सब क्या है? पानी कहाँ जा रहा है? माँ, ये पानी तो गायब हो गया। हाँ? हाँ? क्या करूँ? तेरी हिचकी बंद क्यों नहीं होती? रुक जा, मैं तुझे मट्ठा पिलाती हूँ। अरे अभी मट्ठा कहाँ गायब हो गया? बाप रे, ये क्या? रुक जा, मैं कुएं से पानी भर कर लाती हूँ। हाँ, तेरे लिए। हाँ, जल्दी आना। माँ जल्दी आना। हाँ आती हूँ। अरे कुएं का पानी भी सूख गया। अब बेटी, बेटी, अरे बेटी, ये सब क्या हो रहा है? हर तरफ का पानी गायब होते जा रहा है, समझ में नहीं आता। हाँ क्या? हाँ? माँ, शकु जिस मूर्ति की पूजा करती है ना, हाँ? वो शायद कृष्ण की नहीं, हाँ? किसी माया ने की है। पता नहीं बेटी, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। तू चल मेरे साथ, पानी भर लाते। माँ माँ माँ, नहीं नहीं माँ, हम दोनों अगर तालाब के पास गए ना, तो वहाँ का भी पानी सूख जाएगा। ठीक कहा तुमने, सकु को भेजेंगे। सकु? हाँ। ए सकु! जी, घर में एक बूंद भी पानी नहीं है, तालाब से पानी भरकर लाना और जल्दी आना। और सुन, देर मत लगाना, जल्दी आ जाना। जी। माँ, शकु जब तालाब से पानी भरने जाएगी तो फिर वहाँ का भी पानी गायब हो गया तो? होने दो बेटी, गांव के सारे लोग उसके हाथ पैर तोड़ देंगे। यमुना गा रही प्रेम राग को, ये है तुझको पता, मैं तेरा तू मेरी मैं तेरा करूं वंदना। राधिका नव मल्लिका, मैं हूँ पास में तू है साथ में ना, ऐसी बातें बोलो। राधिका नव मल्लिका, ¶¶
सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग तुझको ही पूजूं भामा। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग तुझको ही पूजूं भामा। मैं हूँ पास में तू है साथ में ना ऐसी बातें बोलो राधिका राधिका। पांडुरंग ए सकू पानी भरने भी जाता यहाँ बैठी है वो माँ जी वो घड़ा कहाँ है खोल। मेरी माँ की आखिरी निशानी को तालाब में फेंक दिया कलमुरी। यही सिखाया तुम्हारे घर वालों ने। गलती मेरी है मेरे घर वालों को बीच में क्यों ला रही है माँ जी। जाने दीजिए ना गलती हो गई बेचारी से। आ गई उसकी तरफदारी करने। वो जो घड़ा पानी में चला गया वो क्या तेरा बाप ला कर देगा। जाए यहाँ से। क्या सोच रही है अब घड़ा लेकर घर आ जाना वरना तालाब में ही डूब मरना। जा पांडुरंगा पांडुरंगा तुम कहाँ चले गए थे स्वामी। तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने। अब मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। रंगा सुनिए जी सुनिए ना सुनिए जी सुनिए जी। क्या हुआ। हमारी समधिन राक्षसी है राक्षसी हा? पता है कुछ दिन पहले उसे मार पीट के तालाब में ढकेल दिया था पर पांडुरंग की दया से हमारी सबको बच गई ऐसा गंगा बाई कह रही थी। दूसरों की बात सुनकर क्यों परेशान हो रही हो। लोगों का क्या है कहानी बनाते रहते हैं। आप तो मेरी बात सुनते ही कहाँ है। कल सक्कू को अगर कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। अरे कैसी बातें कर रही हो। क्या सक्कू मेरी बेटी नहीं है। कल ही जाकर मैं देखता हूँ गंगा बाई वाली बात सच हुई तो सक्कू को साथ में लेता आऊंगा। देखा जब से सक्कू पांडुरंग की मूर्ति को अपने साथ ले गई है तब से इस मंदिर में दूसरी मूर्ति रखने का मन बिल्कुल ही नहीं करता। वो सब रहने दो पहले जाकर ये तो पता करो कि हमारी सक्कू किस हाल में है। ठीक है जय पांडुरंग। श्रीपति यहाँ क्यों बैठे हो बेटा। बाबा आप गांव से कब आए। बस कुछ देर पहले ही आया हूँ। चलिए घर चलते हैं। बाबा क्या हुआ। श्रीपति सक्कू को हमने अपने हाथों से कीचड़ में ढकेल दिया है अब तू ही उसकी रक्षा करना बेटा। मैं क्या करूं बाबा किसको कहूं मैं। एक तरफ माँ है तो दूसरी तरफ पत्नी। पर आप चिंता ना करें भगवान सब ठीक कर देंगे बाबा आप विश्वास रखिए। मैं चलता हूं। हाँ। अब क्या करूं। सोचे समझे बगैर ही आपने हमारी बेटी की शादी करवा दी। अपनी बेटी को कसाई खाने में भेज दिया अब हम क्या करेंगे भैया। वो औरत मुंह फाटे सुना था पर ऐसी होगी ये तो मैं भी नहीं जानता था। इस अनर्थ का कारण मैं ही हूं। नारायण दास जी इसमें आपकी कोई गलती नहीं है सब ऊपर वाले की मर्जी है। उसको जहां जाना था वो वहां चली गई सब पांडुरंग की लीला है। तो फिर क्या हम चुपचाप बैठे रहेंगे। वहां मेरी बेटी
हर पल तड़पती रहती है तो हम भला चैन की सांस कैसे ले पाएंगे? अगर आप कहे तो मैं खुद जाकर सग्गू को यहाँ वापस लेकर आऊ। नहीं गोदावरी, भगवान अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। तुम्हारी बेटी के लिए परीक्षा का समय है। सक्कू महान भक्त है, भगवान पांडुरंग उसका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। पांडुरंगा रंगा पांडुरंगा, मुझे ब्रह्म उत्सव देखने का अवसर कब तक मिलेगा रंगा? जब देखो तो पांडुरंग पांडुरंग, आइंदा उसका नाम लिया तो जुबान खींच लूंगी। आपको पांडुरंग से इतनी नफरत क्यों है माजी? जिनके पास कोई काम नहीं, बेकार है, भिखारी है, उनको उसकी जरूरत है, हम लोगों को उसकी जरूरत नहीं। उसका नाम लेने से क्या फायदा? जन्म सार्थक होगा माजी। आप जानती हैं, नारायण की वजह से ही गजेंद्र को मोक्ष की प्राप्ति हुई। प्रहलाद को जब अग्नि कुंड में फेंका गया तब उसने श्रीहरि का नाम लिया और वो बच गया। भरी सभा में दुशासन जब द्रौपदी का चीर हरण कर रहा था, कृष्णा का नाम लेकर उसे याद किया तो स्वयं श्री कृष्णा वहाँ पधारे। वो द्वापर युग था, ये कलियुग है। परमात्मा के साक्षात्कार के लिए कोई भी युग क्यों ना हो, भक्ति पूर्वक अगर उसे याद करे तो करुणा सागर रंगा स्वामी भक्तों की पुकार सुनते हैं। अच्छा तो ये बात है, चल मैं भी देखूं। भामा, ए भामा। क्या माँ? भामा बोलो। अब सूरज उगने से पहले हाँ? ये सारा गेहूँ पीस कर खत्म करना होगा, समझी? वरना हाथ पैर तोड़ कर तुम्हारी माँ के घर भेज दूंगी। क्या हुआ माँ, उसका यहाँ रहना आपको पसंद नहीं है क्या? देवी की ऐसी तरफदारी करने वाले को मैंने आज तक नहीं देखा। तुम चुप रहो, माँ बेटी दोनों मिलकर क्या गुल खिला रही हो मुझे पता नहीं है। एक बोरी गेहूँ तुम पीस कर दिखाना सुबह होने से पहले। मैं? मेरी बेटी क्यों पीसेगी? कलयुग को द्वापर युग बनाने वाली तेरी बीवी है। भामा जाकर ताला लेकर आ। हाँ, यही है तेरी सजा, चल पीस। माँ जरा मेरी भी बात सुनो। माँ तू चुप कर, मुझसे मुँह लड़ाता है। निकल यहाँ से, चला जा यहाँ से। आप देखती हूँ तेरी भक्ति को, चल काम कर। पांडुरंगा माँ हाँ? ये लो ताला। ला मुझे दे, आज देखती इसकी भक्ति में शक्ति। हाँ खाओ बेटी, खाना बहुत अच्छा बना है, खाओ खाओ। माँ ये दाल बहुत अच्छी है ना? ಸರ್ವಸ್ವವೆನ್ನುತೆ ನಂಬಿದನು ಸಲಹೋ ರಂಗಾ
पांडुरंगा, पांडुरंगा, देखो तो क्या हुआ? वो शकु ने क्या किया देखा? क्या? आओ आओ दिखाती हूँ, आओ ना माँ। श्रीपति, श्रीपति, जरा देख तो यहाँ पर, तेरी बीवी राक्षसी है। श्रीपति, उसके पास नहीं जाना बेटा। तो माँ। श्रीपति। शकु, शकु। माँ, राक्षस नहीं, भूत प्रेत का साया है, वरना इतना सारा गेहूँ एक रात में कोई पीसता है क्या? शकु, शकु, एक ही रात में इतना सारा गेहूं पीस दिया तुमने? मैं नहीं जानती। फिर ये सब किसने किया? पांडुरंग ही जाने। अरे हाथों में छाले पड़ गए। चलो शकु, चलो समझ, चलो आओ, आओ चलो। माँ, मुझे तो लगता है ये सारा काम उस पांडुरंग ने ही किया होगा। लगता है तेरा दिमाग खराब है। अगर यहाँ आकर पांडुरंग इतना सारा गेहूं पीस सकता है, तो वो मंदिर में नहीं किसी चक्की पर बैठकर काम करके पैसा कमा रहा होता। हाँ माँ, ये तो तुमने सही कहा। तो फिर इसके अंदर कोई भूतनी या डायन होगी। हमें इससे क्या? अब हम तो एक साल तक मजे से बैठकर इसकी रोटी बनाकर खाएंगे माँ। बहुत जल रहा है ना सबको? सबको, तुम्हारा ये मंगलसूत्र तुम्हारे गले का फंदा बन गया है ना? मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है सबको, बहुत दुख दिया है। ऐसा ना कहिए, आपकी छत्र छाया में मैं बहुत खुश हूं। ये लोग इंसान नहीं, हैवान है, हैवान। नारी के पीछे मत दौड़ रे, आगे पीछे जब देखो मारे, आंखों से वो कर दे इशारे। नारी के पीछे, नारी के पीछे, नारी के पीछे मत दौड़ रे।
लोकेश्वर के नाश का कारण कौन है? सीता सीता। कौरव वंश के नाश का कारण कौन है? द्रौपदी द्रौपदी। त्रेता जाए द्वापर आए द्वापर जाए कलयुग आए मर्द को धोखा नारी देती नारी के पीछे मत दौड़ रे आगे पीछे जब देखो मारे आंखों से वो करती इशारे नारी के पीछे नारी के पीछे नारी के पीछे मत दौड़ रे सभी दुखों के मूल का कारण कौन है नारी नारी मुझे ही मारा रे शादी करके फंस गया मैं तो यारों मर्द को औरत सुख ना देगी दुख का कारण दुख ही देगी भीष्म को अपना गुरु मान नारी के पीछे मत दौड़ रे आगे पीछे जब देखो मारे आंखों से वो कर दी इशारे नारी के पीछे नारी के पीछे नारी के पीछे मत दौड़ रे नारी के पीछे दौड़ेंगे 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 नारी के पीछे जी काम काज छोड़कर औरतों पर भरोसा मत करो ऐसे अरे रुकिए 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 बहन जी आप इसे क्यों मार रही हैं ये मेरा शिष्य है अरे पशुपति तू क्या चाहता है कि ये सारा गांव तेरी तरह निकम्मा बन जाए और ये तुम्हारी तरह भीख मांगे जाकर हल चलाना छोड़कर यहाँ उछल कूद कर रहे हो तुम लोग अभी बताती हूँ तुम लोगों को ये लो रुकिए 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 माता अम्बा भवानी जगदम्बा मेरे शिष्यों को क्यों मार रही हैं आप साधुओं को मारा नहीं जाता स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है अरे बेवकूफ तुम्हें जन्म देने वाली औरत है तुम्हारी बहन भी औरत है तुम्हारी बीवी भी औरत है ये याद रखना अरे पर मेरी हालत करने वाली भी एक औरत ही है ए हट जा यहाँ से ए तुम लोग चलो अरे बाप रे सब के सब छोड़कर चले गए अरे मैं तो इन लोगों को सुधारने आया था और ये मुझे ही अनाथ बनाकर चले गए पर मुझे क्या करना कुत्ते की तुम कभी सीधी होती है क्या पांडुरंग मैं तो बच गया अब ये देखो चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी नहीं है सकू ए सकू सकू जी चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां नहीं है जाकर लकड़ी काटो लेकिन मैंने कभी लकड़ी नहीं काटी पति को देखते ही लटकना मटकना शुरू हो जाता है पति को मुट्ठी में कर लिया क्या पहले से जानती थी अब ज्यादा नाटक मत कर तू मुझे अच्छी तरह से जान चुकी होगी तो ये ले लकड़ी काट कर ही अंदर आना वरना तुझे काट दूंगी बैठे बैठे सॉरी है आज सारी लकड़ी कट जानी चाहिए लकड़ी काट कर ही अंदर आना वरना तुझे काट दूंगी
नन्नाजी, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो ना। पानी पिएगी? ले पी ले, ले। ले ले ले, पी पी, अरे ले ना पी, पानी पी, ले। पी पानी पी पी, अरे पी ना, अरे ये क्या? पी पी। भामा। पी ना। हिम्मत से पी। बहन के ऊपर हाथ उठाता है, शर्म नहीं आती तुझे? उसकी माँ अभी तक जिंदा है, ये समझ ले। तुम बीच में कुछ मत बोलो माँ, क्या सिर्फ यही तुम्हारी बेटी है? दिन रात तुम दोनों की सेवा करने वाली ये तुम्हारी कोई नहीं लगती। तुम चुप रहो माँ, मेरी सक्कू पीने के लिए पानी मांग रही थी, उसे पानी पिलाने के बजाय पानी ये नीचे गिरा रही थी, शर्म नहीं आती से? मैं सब जान चुकी हूँ, ये सब इसी ने सिखाया है। बचपन से लेकर आज तक जो मेरे सामने खड़ा नहीं होता था, आज मुझसे जबान लड़ाता है, शर्म नहीं आती तुझे? माँ, ये सब तुम्हारी बहू ने ही सिखाया है, इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो हम दोनों को भी इस घर से बाहर निकाल देगा तुम्हारा बेटा। अगर तुझे इतना ही डर है तो मेरे जाने से पहले तू क्यों नहीं चली जाती? इज्जत से अपने पति के घर किस्सा ही खत्म हो जाएगा। माँ देखो ना, मुझे घर से बाहर निकाल रहा है मेरी। अरे श्रीपति, माँ बहन से ज्यादा आज तुझे कल की आई हुई लड़की प्यारी हो गई। बेटा, ये तुम बहुत गलत कर रहे हो। सही और गलत समझने की बुद्धि तुम लोगों को कब आएगी? बेटा, श्रीपति, अरे सुन तो सही। मुझे कुछ नहीं सुनना है। नन्ना जी, रोइए मत, बहुत दर्द हो रहा है क्या आपको? हाथ मत लगा मुझे, तुम पानी पीना चाहती हो ना, लो अभी तुम्हें पानी पिलाती हूँ, पानी पी भी लो, नहा भी लो और डूब पड़ो पानी में। इन सारे कष्टों का एक ही निवारण है कि हम ये घर छोड़ दें। क्यों जी, इस घर में क्या तकलीफ है? तुम नहीं समझ रही हो, हम दूसरे घर में रहेंगे। माँ जी, सत्यभामा, वो दोनों यहीं रहेंगे। क्या सोच रही हो? अगर हम अलग रहेंगे तो गांव वाले क्या कहेंगे कि आते ही माँ बेटे को अलग कर दिया, ये पाप मुझ पे मत चढ़ाइए। पर सक्कू, तुम्हारी ये तकलीफें मुझसे देखी नहीं जाती हैं। मुझे यहाँ पर तकलीफ है, ऐसा मैंने कभी कहा क्या? तुमने नहीं कहा है, पर मैं जानता हूँ। परिवार में ऐसी बातें तो होती रहती है, इस वजह से हम अलग रहने लगे तो ये गलत बात है। तुम जैसी उच्च विचारों वाली को तकलीफ देने वाले लोग किस नरक में जाएंगे, ये तो सिर्फ पांडुरंग ही जानते हैं, मैं क्या जानूं। सुनिए जी, ऐसा नहीं कहते, बड़ों के लिए। जीजा जी, श्रीपति भागो। जीजा जी, जीजा जी, रुक जाइए जीजा जी, जीजा जी भागिए मत, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। देखो, मैंने ये फैसला किया था कि मैं इस गांव में कभी कदम नहीं रखूंगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? बुजुर्गों ने कहा है कि जिस रास्ते पर मुसीबत खड़ी हो उस रास्ते से नहीं जाना चाहिए। ठीक है ठीक है, आप और कितने दिन इधर उधर भटकते रहेंगे जीजा जी? आप मेरी बहन को अपने साथ क्यों नहीं लेके जाते? बाप रे बाप, सत्य मामा को? नहीं भैया नहीं, पता नहीं कौन से जन्म में मैंने पाप किया था कि उससे शादी हो गई मेरी। मेरी तकलीफ समझने की कोशिश कीजिए, माँ बेटी दोनों मिलकर सक्कू को बहुत तकलीफ दे रही है। जीजा जी, जीजा जी, सक्कू के भलाई के लिए मेरी बहन को अपने घर ले जाइए ना। जरूर देंगे, तकलीफ तो देंगे ही वो लोग, जब अपने दामाद को यानी मुझे कष्ट देते हैं तो बहू को कैसे छोड़ेंगे। अरे बाप रे बेचारी सक्कू भाई। ठीक है सक्कू भाई, की खातिर आज आखिरी बार मैं उसे लेने जाऊंगा। सत्यभामा आई तो ठीक है, वरना
आज फैसला होकर रहेगा। पांडुरंग की कसम खाकर कहता हूँ, आज उसे खींच कर ले जाऊंगा। तुम चिंता मत करना। अरे ओ भामा, मैं तुमसे शादी करके गली गली भटक रहा हूँ और तुम यहाँ बैठी झूला झूल रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? ए, तुम्हारा पति आया है, मेरे पैर धोकर वो पानी पीकर आशीर्वाद लेकर पतिव्रता बन जाओ। बांध लो अपना बोरिया बिस्तर और चलो मेरे साथ मेरे घर। उसे कोई घर कहता है? शीशी, मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे साथ। पति का घर चाहे जैसा भी हो, स्वर्ग की तरह होता है। मेरा क्या दिमाग खराब हो गया है? चाप चलती हो या खींच कर ले जाओ। माँ रुको, माँ को बुलाती हूँ। माँ को मत बुला। देखो ना, मैं तेरा ड्रामा कब से देख रही हूँ, छोड़ा इसका। क्यों रे, मेरी बेटी को झोपड़ी में ले जाएगा तू? आज तेरी इतनी हिम्मत? ओ पांडुरंग, मैंने ऐसा थोड़ी कहा, मैंने तो अपने घर चलने के लिए कहा। वो मेरी बेटी है, तुम अगर चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ जाए तो पहले एक बड़ा सा घर बनाओ, 10 नौकर रखो, तब मेरी बेटी जाएगी। बात तो ऐसे कर रही है जैसा इसका घर नौकरों से भरा पड़ा हो। नौकर के नाम पर एक सक्कू भाई तो है इस घर में। वो उसका कर्म है जो भुगत रही है। अरे अब तक तुम यहीं खड़े हो, बाहर जाने का रास्ता वहाँ है। मुझे जाने के लिए कह रही हो? ठीक है, चला जाऊंगा यहाँ से, लेकिन उसके पहले गले का मंगलसूत्र उतार दो। चलो उतार दो जल्दी। अरे ये तो सोने का है, मैं नहीं उतारूंगी। हाँ। इसका मतलब है सोने का नहीं होता तो शायद उतार देती। सुनिए, आप अपनी बेटी को घर पर रखकर उसका आचार बनाइए। आपको दिया हुआ ये जनेऊ मैं अभी उतार कर फेंकता हूँ और आजाद हो जाता हूँ। ये लीजिए, अब मैं आजाद हूँ, अब मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा, मैं चलता हूँ, जाता हूँ इस घर से, मेरा संबंध खत्म। चलता हूँ मैं। माँ, अगर इसने दूसरी शादी कर ली तो मेरा क्या होगा? बेटी, उसकी शक्ल देखी है, उसे कौन लड़की देगा? तू क्यों फिक्र करती है, मैं अभी जिंदा हूँ, समझी? हाँ माँ, ये लो माँ, खाओ खाओ। रंगा पांडुरंगा प्रभु बिठला, जय पांडुरंगा प्रभु बिठला, जग के आधारा मोहनु माधवा, जग के आधारा मोहनु माधवा, पांडुरंग बिठला पंढरीनाथ बिठला, जय पांडुरंगा प्रभु बिठला, जग के आधारा मोहनु माधवा, पांडुरंग बिठला पंढरीनाथ बिठला। आसमां में तुम हो ये दुनिया जाने, भास्कर में तुम हो बन के कांति, ओ चांदनी में हो तुम ही चंद्र के, सागर में हो तुम बन के लहरे, मेरी पुकार प्रभु सुन ले, ओ जगत के पालनहारे, मेरी पुकार प्रभु सुन ले, ओ जगत के पालनहारे, ओ जगत के पालनहारे, जय पांडुरंगा प्रभु बिठला, जग के आधारा मोहनु माधवा, पांडुरंग बिठला पंढरीनाथ बिठला, पांडुरंग बिठला पंढरीनाथ बिठला। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुई गुरुदेव। सक्कू भाई, कैसी हो तुम? आपके आशीर्वाद से मैं खुश हूँ। पर तुम्हारा चेहरा तो कुछ और ही कह रहा है, क्या बात है बताओ मुझे।
देवता समान मेरे पति देव हैं, माँ जैसी मेरी सासू माँ और बहन जैसी मेरी ननद। ससुराल में मायके जैसा प्यार मिल रहा है मुझे, तो भला मुझे किस बात का दुख होगा गुरुदेव? पांडुरंगा करुणा सागर। गुरुदेव आप इस गांव में कब पधारे और कितने दिन रहेंगे? आज ही सुबह आए हैं। अगले महीने शुरू होने वाले ब्रह्मोत्सव में भाग लेकर विठल जी की महिमा देखने की इच्छा है। हम लोग पंढरपुर जा रहे हैं। मैं भी पंढरपुर जाना चाहती हूँ, पांडुरंग के दर्शन की बहुत इच्छा है मुझे। अवश्य जाना, जीवन में एक बार उस पुण्य क्षेत्र का दर्शन आवश्यक है। किसी भी मनुष्य का उस पुण्य मूर्ति के दर्शन पाकर जीवन सार्थक हो जाता है। गुरुजी, आज हमारे घर पधारकर भोजन करने की कृपा करें। ठीक है बेटी। ब्रह्म उत्सव के बारे में आप मेरी सासू माँ को थोड़ा समझा दीजिएगा। क्यों नहीं, अवश्य पधारिए। पंढरपुर जाना इतना आसान नहीं है बेटी, वो बहुत दूर है। कितने भी दूर क्यों ना हो गुरुदेव, मुझे ब्रह्म उत्सव देखना ही है। हाँ, राम 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 राम। क्यों रे, भिखारियों की फौज कहाँ से लेके आई तू? माँ जी, ये मेरे गुरुजी हैं, पंढरपुर जा रहे हैं। पंढरपुर जा रहे थे तो यहाँ क्या कर रहे हैं? हमारे यहाँ भोजन करने के लिए मैंने ही इनको बुलाया है माँ जी। किसके कहने से तूने बुलाया? ये कोई धर्मशाला है क्या? मेरे घर को राह चलते भिखारियों का बसेरा बनाना चाहती है तू, कलमुही? पांडुरंग, पंढरीनाथ, पांडुरंग, पंढरीनाथ। ये तू किसका नाम ले रहा है रे? कौन है ये पंढरीनाथ? इसमें तो बुद्धि नहीं है, लेकिन तेरी बुद्धि क्यों भ्रष्ट हो गई? जो अपनी सारी कुनवे को लेके यहाँ तक चला आया। माता, सक्कू भाई पंढरपुर जाना चाहती है, पांडुरंग के दर्शन करना चाहती है और वो ब्रह्मोत्सव देखना चाहती है। अगर आप आज्ञा दें तो हम इसे अपने साथ ले जाएं। क्या, साथ में? और वो भी तुम लोगों के साथ? इसका परिवार अभी जिंदा है, अपनी बहू को मैं तुम जैसे भिखारियों के साथ नहीं भेज सकती। गुरुजी, मेरी वजह से आपको इतना अपमान सहना पड़ा, मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी। सब पांडुरंग की लीला है, तुम तो केवल निमित्र मात्र हो, पांडुरंग तुम्हारा भला करेंगे। उससे क्या माफी मांग रही है, चलो निकलो यहाँ से। पांडुरंग, पंढरीनाथ। जा पंढरीनाथ। गुरुजी, मेरा मुख क्या देख रही है, सब ले जाकर रसोई में रख दे, जा। इतना सारा खाना, लगता है पूरे साल का खाना एक ही दिन में बना लिया। माँ, सुनती हो? माँ, अंदर चलो, सकू ने देखो क्या किया। क्या हुआ? पहले अंदर तो चलो, फिर बताओ ना। देखो माँ, देखो, 100 लोगों का खाना एक ही दिन में बना लिया। बाप रे, इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो घर बर्बाद कर देगी। जाओ माँ, तुम उसे लेकर आओ, मैं दिखाती हूँ उसे। आहा, कितनी भोली बनकर खड़ी है, चल 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 अंदर। पंढरपुर जाकर ब्रह्मोत्सव देखना है तुझे, मैं तुझे दिखाती हूँ। अब जिंदगी भर याद रखोगी तुम मुझे, आइंदा ऐसा काम करोगी तो हाथ पैर काट के रख दूंगी। चल, क्या देख रही है, लगा इसकी पीठ पर। रंगा, पांडुरंगा। स्वामी, क्या हुआ आपको? ये क्या स्वामी, आपके पीठ पर ये निशान? मेरी भक्त सक्कू बाई को उसकी सास ने जला दिया। सक्कू बाई को उसकी सास ने जला दिया और निशान आपके पीठ पर? हाँ देवी, उसने पीड़ा से रंगा कहकर पुकारा। हमेशा भक्तों की पूजा स्वीकार करने वाला मैं पांडुरंग भक्तों की पीड़ा कैसे सह सकता हूँ? भक्तों की पीड़ा को बांटना मेरा कर्तव्य है। Thank you.
चलो ना माँ। चल मेरे साथ। ओ माँ, मेरी सकू। पीठ। मेरी पीठ। ए सकू। दरवाजा खोल। श्रीपति। खोलता हूँ माँ। ए दरवाजा खोलो जल्दी। कहाँ कहाँ है वो? क्या हुआ माँ? तुम्हारी पत्नी राक्षसी है वो। क्यों री, मेरी बेटी को सोते वक्त तूने जलाया? क्यों? नहीं माँ जी। बस करो माँ, कुछ भी मत बोलो। आपने सुबह जो किया उसका दर्द वो अकेली ही सह रही है, और अब उसी पर आरोप लगा रही हैं आप। सक्कू यहाँ से कहीं नहीं गई थी, वो मेरे साथ ही थी। अंदर चलो सक्कू। ना सुन ना इसकी बात। अच्छा। तुम भी रात बेरात कितना शोर मचाती हो। कृष्णा गोपाला यहाँ औरंगा नहीं आओगे? देखो यशोदा माई की तरह मैं भी तुम्हें बांध दूंगी।
कृष्णा, कृष्णा मक्खन चोर कहाँ छुपे हो? कृष्णा, कृष्णा लगता है पागल हो गई। कहीं भी छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। कृष्णा, कृष्णा, हे भगवान। नाना जी, मेरे कृष्णा को देखा क्या? माँ जी, आपने मेरे कृष्णा को देखा? यही खेल रहा था। पंडरपुर चला गया होगा, ब्रह्मोत्सव है ना? कृष्णा, कृष्णा कहाँ जाती है? कुछ कह रही हो? ये तो पागल हो गई। कितनी बार कहा पूजा मत करो, पूजा मत करो, लेकिन मेरी सुनती कहाँ है? तो कृष्ण की वजह से पागल होती जा रही है। नहीं नहीं नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, पागल नहीं हूँ माँ। कृष्ण यही खेल रहा था, आपने भी देखा था, यही खेल रहा था। हाँ, वो पंडरपुर गया होगा ब्रह्मोत्सव देखने के लिए। मैं भी चलती हूँ। कृष्णा, कहाँ जा रही है? क्या हुआ तुम्हें? सुनिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। मेरा कृष्ण यही था, वो ब्रह्मोत्सव के लिए पंडरपुर गया होगा। मैं भी चलती हूँ। कृष्णा, कृष्णा छोड़ो, सक्कू रुक जाओ, इसे अंदर ले चलो, चलो अंदर जाने दीजिए। मैंने कहा मुझे जाने दीजिए, चल जाऊंगी, ठीक है, दीजिए मुझे, नहीं मुझे पंडरपुर जाना है। मां छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे, मां छोड़ दो, पंडरपुर जाना, छोड़ दीजिए कृष्णा, मैं पीछे जा रही हूं, छोड़ो अंदर, नहीं मुझे जाना है, जल्दी से जाके रस्सी लेके आ, बांध दे इसे, देखती हूँ मैं कैसी यहाँ से जाती है, पंडरपुर जाएगी, कृष्णा से मिलेगी। कृष्णा कृष्णा कहती है, नहीं आती तुझे? कृष्णा बोलती है, बांध इसे, कस के पकड़। पांडुरंगा के पास जाना है, मुझे जाने दो। अब तुझे दिखा करी रहूंगी, चारों धाम के दर्शन तुझे यही करवाऊंगी। अच्छे देखती हूँ मैं कैसे जाती है पंडरपुर, कृष्णा कृष्णा बोलती है, नहीं आती है, पागल हो गई है। स्वामी, ये कैसे लीला है आपकी? शक्कूबाई को किस अपराध के लिए ये दंड दिया जा रहा है? दंड? क्या कह रही हो देवी? जैसे आपको जानते ही नहीं, जैसे आपको किसी बात की खबर ही ना हो। वहाँ देखिए, उसकी सास ने उसे उस खम्बे से बांध दिया है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? उसकी रक्षा कीजिए स्वामी, और शक्कूबाई को उस बंधन से मुक्त कीजिए। अरे रे, सास बहू के झगड़े में मेरा प्रवेश उचित नहीं है। देखो रुक्मिणी, मुझे डर लग रहा है। त्रिलोक के स्वामी को किस बात का डर? देवी, तुम्हारी इच्छा सक्कूबाई को वहाँ से छुड़ाना है ना? ठीक है, पर उससे होने वाली समस्याओं का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। ठीक है, वो जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। फिर तो ठीक है। श्रीपति, इसी निद्रा में कुछ दिन के लिए लीन रहो। ये सकते हैं। चलो चलो चलते हैं यहाँ से। चलो यहाँ से। कहाँ पर? मैं तुम्हें पंढरपुर ले जाऊंगा। पंढरपुर? लेकिन माँ जी, मैं माँ को समझा दूंगा। पंढरपुर के लिए आप भी साथ चले तो अच्छा रहेगा। दोनों चले गए तो माँ नाराज हो जाएंगी। इस बार तुम जाओ, अगली बार दोनों साथ चलेंगे। मेरे आने तक पांडुरंग की पूजा कीजिएगा। रोज मैं किया करूंगा। चलो
चलो आओ। सुनिए जी, माँ जी से कहकर जाऊं? नहीं नहीं, इस वक्त वो निद्रा में है। उनके पैर छूकर आशीर्वाद तो ले लूं? जो तुम्हारी इच्छा। देवी, आप किस तरफ जा रही हैं? मैं पंढरपुर से थोड़ा आगे जा रही हूँ। इसे भी पंढरपुर जाना है? हाँ। आप अपने साथ ले जाएंगी? अवश्य ले जाऊंगी। सुनिए जी, सुबह मुझे घर पे ना पाकर माँ जी बहुत नाराज होंगी, आप उनसे कह दीजिएगा। उसकी चिंता तुम मत करो, जाओ। चलो पुत्री। अब कैसा लग रहा है? पहले रस्सी तो खोलिए, उसके बाद पता चल जाएगा। अब ही खोल देती हूँ। माँ माँ, इसकी रस्सी क्यों खोल रही हो? ये तो भाग जाएगी माँ। मैं क्यों भागूंगी यहाँ से? ये तो मेरा ही घर है ना? ये तो अमड़ाइयाँ ले रही है, चल जाके अपना काम कर। क्या काम है? दूध निकालना है, पानी भरना है, खाना पकाना है, झाड़ू लगाना है, सब काम तो है। बाप रे, इतना सारा काम मुझे अकेले को करना होगा? और नहीं तो क्या, तेरी माँ भी करेगी। मेरी माँ क्यों, तुम क्यों नहीं करोगी? इतना सारा मुफ्त का खाना खाकर भैंस की तरह मोटी होती जा रही हो, अब थोड़ा काम काज भी कर लिया करो। क्या कहा, मैं भी सुन रही हूँ, बहुत जबान चलाने लगी है तू। और नहीं तो क्या, एक ने पति को भगा दिया, दूसरे का पति खुद भाग गया, अब तुम दोनों भैंसों को बिठाकर मैं खिलाऊंगी क्या? जबान संभाल कर बात कर कलमुही। माँ जी, दोबारा मुझ पर हाथ उठाए तो ठीक नहीं होगा, समझ लो। तो क्या कर लेगी? मेरा हाथ, मेरा हाथ, मेरा हाथ टूट गया तो क्या हुआ, मेरा पैर तो है। मेरा पैर, मेरा पैर, आपको डराती है? क्या हो गया? रुक, अभी मजा चखाती हूँ। मामा जल्दी आ जा, जादू टोना करती है, ये ले। अरे बाप रे, बचाओ भाई, बचाओ, बचाओ, अरे, ओ, ओ, ए, ओ, बचाओ मुझे, देखो माँ, बचाओ मुझे, माँ, बचाओ मुझे, बेटी, भैया, भैया, बचाओ, बचाओ भैया। क्या है ये सक्कू? लातों के भूतों को पांडुरंग ही सजा दे रहे हैं। पढ़ने दो और पढ़ने दो।
सक्कू, मेरी बहू, मुझे क्षमा कर दो। माँ जी, ऐसा कीजिए, पांडुरंग से क्षमा मांगिए, सब ठीक हो जाएगा। पांडुरंगा, मुझे माफ कर दो। पांडुरंगा, मेरी रक्षा करो। मामा, हाँ? तू भी पांडुरंग का स्मरण करना। नहीं, मैं नहीं करूंगी। हाँ, पांडुरंगा, मुझे भी क्षमा कर दो। माँ जी। जी बहू। ये कंगन, हार और सब गहने उतार कर रसोई का काम संभालिए। ठीक है। सत्यभामा। जी भाभी। ऐसा करो, हाँ? सारे गहने उतार कर गाय के गोबर से कंडे थापो। जी भाभी। भामा, अब क्या है? रेशम की साड़ी उतार देना। ठीक है। सक्कू, क्या है ये सब? धीरे धीरे आपको भी सब पता चल जाएगा। फिर ठीक है। फूलों में हो खुशबू बनके, घटाओं में तुम हो बादल बनके। कोयल कंठ में संगीत सुर भी, भक्त हृदय में आनंद मस्ती। तू ही तो है हर तन में, तू ही तो है हर मन में, तू ही तो है हर तन में, तू ही तो है हर मन में। तू धरती और गगन में, जय पांडुरंगा प्रभु विठला, जग के आधारा मोहन माधवा, जग के आधारा मोहन माधवा, पांडुरंग विठल पंढरीनाथ विठल। भक्त, तेरी समस्या क्या है मैं समझ गया। ओम मिलिंग क्रिंग चामुंडाय नमः। भक्त, ये मंत्रित फल है, इसे अपने पास रखना, तुम्हारी परेशानी टल जाएगी। ले लो भक्त, तेरा कल्याण हो। स्वामी, 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 मेरी रक्षा करना, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। उठो बेटी, उठो, क्या तकलीफ है तुम्हें? स्वामी, मेरी भाभी के पास एक अचानक जादुई शक्ति आ गई है। पता नहीं कहाँ से जादू टोना सीख कर आई है। अपने जादू से मुझे और मेरी माँ को अपने इशारों पर नचा रही है वो। आप हमारी रक्षा करना स्वामी। रोना नहीं बेटी, अगर वो जादूगरनी है तो मैं भी महान काल भैरव का शिष्य हूँ। घबराओ मत बेटी। ओम रिंग क्लिंग चामुंडाय नमः। ये लो, ये महाकाल भैरव का मंत्रित यंत्र है पुत्री। इसे दिखाकर अपनी भाभी को अगर बुलाओगी तो वह कुत्ते की तरह पूंछ हिलाती हुई आएगी तुम्हारे पास। इसे ले लो, अगर ये भी काम नहीं आया तो ये विनाशकारी भस्म भी ले जाओ। इसे छिड़कते ही तुम्हारी भाभी जलन के मारे तड़पने लगेगी और सब ठीक हो जाएगा। जाओ, तुम्हारा कार्य सफल हो। ओम नमो, ओम नमः शिवाय। जय विठ्ठल, पंढरीनाथ, पांडुरंग। गुरुदेव,
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उठो बेटा, तुम कौन हो? गुरुजी मेरी रक्षा कीजिए। गुरुदेव मैं किस्मत का मारा इंसान हूँ, संसार से मेरा मन उठ चुका है, इसलिए मैं परमात्मा की शरण में आया हूँ। मुझे अपनी शरण में ले लो गुरुजी, मुझे अपनी शरण में ले लो। बेटा तुम्हारी कितनी संतानें हैं? मेरी संतानें? गुरुदेव पत्नी के साथ घर तो बसाया, पर मैं वो सब कुछ नहीं कर पाया जिससे संतान होती है। जब से मेरी शादी हुई है तब से पत्नी मायके में ही रह रही है, उसे बुला बुला कर परेशान हो गया हूँ। कितनी बार समझाया है पर फिर भी माँ बेटी दोनों शेरनी की तरह मुझ पर टूट पड़ती हैं। गुरुदेव ऐसी हालत में मुझे संतान कैसे होगी, आप ही बताइए ना गुरुदेव। जब पत्नी को काबू में नहीं कर सके तो तुम अपने हृदय को कैसे काबू में करोगे बेटा? सुनो, निराश होकर संन्यास लेना उचित नहीं होता, इसके अलावा कुछ काम करवाने के लिए बल का प्रयोग करना होता है। ठीक है गुरुजी, आप कहते हैं तो मैं बल का प्रयोग करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ, उसका जाप करना है। तब तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बस में आ जाएगी। वाह वाह, तब तो मैं संन्यास लेने से बच जाऊंगा। जल्दी बताइए गुरुदेव। पास आओ। जय पांडु। गुरुदेव इस मंत्र में इतनी शक्ति भरी हुई है ये मुझे आज पता चला। मूर्ख पशुपति, इतनी सी बात तू अभी तक नहीं समझ पाया। अब मैं एक अच्छा पति बनकर रहूंगा। जय गुरुदेव। अरे अरे अरे, इस उम्र में आराम करने के बजाय अपने बहू होने के बावजूद भी तुम्हें कितना काम करना पड़ रहा है। माँ क्या वक्त आ गया है। बेटी सब वक्त वक्त की बात है। माँ ये काम करना बंद करो। नहीं बेटी, अगर शकु ने देख लिया तो मुझे बता जाएगी। अब तुम्हें शकु से डरने की कोई जरूरत नहीं। ये देखो तावीज और ये देखो भस्म। किसने दिया? एक बड़े तांत्रिक ने। अब शकु जिंदगी भर हमारे इशारों पर नाचती रहेगी। चलो माँ। नहीं बेटी, मुझे डर लग रहा है। मेरे साथ चलो ना माँ। आओ, तुम डरना नहीं हा माँ। क्या हुआ माँ बेटी दोनों काम काज छोड़कर मेरे पास आई हो? सब काम हो गया? माँ जी जब भी वक्त मिले इंसान को भगवान का ध्यान करना चाहिए। आज से आप रोज पूजा करना शुरू कर दीजिए। भामा खाना बन गया क्या? और तुम क्या करोगी? मैं? हाँ आराम से बैठकर चारों वक्त तन मन से श्री हरि का ध्यान किया करूंगी। तन मन धन से श्री हरि का ध्यान करेगी? अब देख तेरा ध्यान कैसे भंग करती हूँ। खड़ी हो जा, वहां जा। पीछे आ, रुक जा, फिर से आगे जा, रुक जा, बैठ जा, ठीक है खड़ी हो जा, घूम जा। देखा मार तावीज का कमाल, अब शकु से क्या करवाना है बताओ। इस झूले पर बैठकर परसों बीत गए, इसे पैर दबाने के लिए कहो। शकु आगे आकर माँ के पैर दबाओ। बकासुर, बकासुर आया, देखो भामा, बकासुर आया। क्या क्या माँ, तुम भी शकु को देखकर बकासुर बकासुर कह रही हो? हे भगवान, ये बकासुर आ गया, मुझे डर लग रहा है, वो मुझे मार डालेगा, मुझे बहुत डर लग रहा है मामा। क्यों री, हमें डरा रही है? अब देख तेरा क्या हाल करती हूँ मैं। ये ले। ये क्या? माँ, माँ, मुझे जलन हो रही है। माँ, माँ, मेरा पूरा बदन जल रहा है। माँ, माँ, माँ देखो ना, मुझे बहुत जोर से खुजली हो रही है। माँ, माँ देखो भगवान, मेरी बेटी को क्या हो गया? अरे तेरी बदन को क्या हो गया? क्यों खुजाने लगी है? अरे देखो। अरे ये तुम्हें क्या हो गया है? अरे घर में मटकती क्यों फिर रही हो? कथक सीख रही हो क्या?
अच्छा जल रहा है और जलने दो। माँ बेटी ने मिलकर मेरा हाल कुत्ते की तरह कर दिया था। अब जब तक मेरे साथ नहीं चलोगी तब तक ऐसे ही जलती रहोगी। अब तक सिर्फ मैं जल रहा था, अब तुम भी जलोगी। शक्कू मुझे माफ कर दो, शक्कू मुझे ठीक कर दो। मुझसे माफी मांगकर क्या होगा भामा? अपने पति देव के चरण छूकर उनसे माफी मांगो। नहीं नहीं, मैं इनके चरण नहीं छूंगी, कभी नहीं। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। सक्कू भाई की बात मान लो वरना मर जाओगे ऐसे ही। अरे कुछ ऐसे वक्त पर बहस नहीं करते भामा, उससे माफी मांग लो। जी चरण स्पर्श करो। मुझसे गलती हो गई जी, मुझे माफ कर दीजिए। माफ किया। अरे माँ, माँ मैं बिल्कुल ठीक हो गई माँ। देवी, सक्कू भाई, तुम साधारण स्त्री नहीं हो, पांडुरंग की परम भक्त हो। तुम्हारे दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। भामा, तुम ठीक हो गई हो, अब तो मेरे साथ मेरे घर चलो। नहीं आऊंगी। चलो ना। नहीं जाऊंगी। चलो। नहीं जाऊंगी, क्या कर लोगे? लातों के भूत बातों से नहीं मानते, पति के साथ नहीं चलेंगे, इसके साथ जाएंगे। मेरे सामने हाथ उठा था इसके ऊपर। आपके सामने से शादी की थी, आपकी बेटी के साथ जो मनाएगा करूंगा। ए भामा, तुम मेरे साथ चलती हो कि सक्कूबाई से कहूँ? हमारे बीच में ये सक्कूबाई कहाँ से आ गई? सक्कूबाई से कहता हूँ, ये सक्कूबाई मेरा क्या कर लेगी? ये क्या हुआ? वाह भगवान, क्या लीला है तेरी, इसकी तोते जैसी चोंच को तुमने बंद कर दिया। वाह, क्या हुआ भामा? क्या तेरी आवाज चली गई है? सक्कू, मेरी बेटी को इतनी बड़ी सजा मत दो, अब ये तुम्हारी कोई बात नहीं टालेगी। इसकी आवाज लौटा दो बेटी। अपने पति के साथ पंडरपुर जाओ, पंडुरंग तुम्हारी आवाज अवश्य लौटा देंगे। भामा, भामा, भामा। अरे अकेली कहाँ चली? मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। सक्कू भाई ने कहा है कि पांडुरंग के दर्शन करने के लिए पति के साथ जाओ। वैसे भी पुण्य क्षेत्र में दंपतियों को हमेशा साथ में ही जाना चाहिए। चलो चलता हूँ सासू माँ। ये देख बेटी, यही पंढरपुर है। नदी के उस पार ही पांडुरंग के दर्शन हो जाएंगे। ठीक है माँ जी, पांडुरंग तुम्हारा भला करे। पांडुरंग जय विठल, पांडुरंग जय विठल, पांडुरंग पांडुरंग जय पांडुरंग जय पांडुरंग। क्या हुआ, क्या हुआ भामा? क्या बात है, क्या इतने में थक गई तुम? हे, क्या कहूँ तुम्हारे कर्मों के बारे में। जब तुम्हारे पास आवाज थी तब छोटे बड़ों का आदर नहीं किया, सबकी बुराई करके खुद का ये हाल कर लिया तुमने। अब भगवान पांडुरंग के दर्शन पाकर हो सकता है कि तुम्हारा भी कुछ भला हो जाए। बड़े बड़े पापियों को माफ करने वाले विशाल हृदय हैं पांडुरंग। अब उनका मंदिर ज्यादा दूर नहीं है, उनका आशीर्वाद पाकर हम धन्य हो जाएंगे। चलो आगे चलो, चलो आगे चलो। ओम कृष्णाय नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम कमलनाथाय नमः। ओम कमलनाथाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम सनातनाथाय नमः। ओम सनातनाथाय नमः। ओम पुण्याय नमः। ओम पुण्याय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम यशोदा वत्सल्याय नमः। ओम यशोदा वत्सल्याय नमः। ओम हरे नमः। ओम हरे नमः। ओम देवकी नंदनाय नमः। ओम देवकी नंदनाय नमः। किसी को पंढरपुर जाना है क्या? जल्दी आ जाओ। रुक जाओ। किसी को पंढरपुर जाना
लगता है आज कोई जाने वाला नहीं है। चलो चलो नाव को आगे बढ़ाओ, चलो। रुक जाओ। रुक जाओ, मुझे जाना है। रुक जाओ, रुक जाओ। अरे संभल कर बैठो, संभल कर। पांडुरंगा, नाव में पानी भर रहा है, नाव डूब जाएगी। पांडुरंग, तेरी लीला अपरंपार है, आखिर अपने भक्त को अपने पास बुला ही लिया। जय हो पांडुरंग। भामा, वो सामने देखो, सक्कूबाई हमसे भी पहले दर्शन करने पहुंच गई। आहा, पांडुरंग किसी भी तरह अपने भक्त को बुला ही लेते हैं। क्या है, भगवान के सामने आकर भी आ ऊ कर रही हो, पांडुरंग नहीं कह सकती? कहो ना। पांडुरंगा, तू करुणा सागर है, मेरी इच्छा पूरी कर दी तुमने। बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे दर्शनों के लिए तरस गई थी मैं, आज मेरी मनोकामना पूरी हुई स्वामी, मेरा जन्म सार्थक हो गया। अब इन चरणों से दूर नहीं हो सकती मैं, मुझे अभी नहीं जीना है प्रभु, मुझे अपने पास बुला लो स्वामी, मुझे अपने पास बुला लो। पांडुरंगा, 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 मुझे अपने पास बुला लो प्रभु। सक्कू, अमृतम गमय। ओम
शांति शांति शांति। सक्कू सक्कू रो मत, भगवान पांडुरंग ने अपने भक्त को अपने पास बुला लिया है, पुण्यात्मा थी, चलो चले। सक्कू तुम कैसी दिख रही हो मालूम है? कैसी दिख रही हूँ मैं? सुंदर, अति सुंदर, स्वर्ग लोक की अप्सराओं से भी ज्यादा सुंदर। सक्कू आजकल तुम बहुत बदल गई हो, इस घर को तुमने एक मंदिर बना दिया है, सबके दिल में पांडुरंग को बिठाकर उनका जन्म सार्थक कर दिया। पर सक्कू, पर क्या? पर मैं जब भी तुम्हारे करीब आता हूं तुम मुझसे दूर क्यों चली जाती हो? आज तो मैं पास हूँ। पास तो हो लेकिन लगता है कि तुम बहुत दूर चली जा रही हो। क्या बात है रुक्मणी, तुम इस वक्त यहाँ पर? ओहो, आखिर तुमने मुझे पहचान ही लिया। तुम्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ रुक्मणी? बस भी कीजिए अपनी लीलाओं को, आपका कार्य तो हो गया ना। मंदिर भी आपके बगैर सूना सूना सा लग रहा है, चलिए ना। कैसे आऊं रुक्मणी, मैं यहाँ सक्कू बाई की जगह पर हूँ, जब तुम उसे यहाँ ले आओगी मैं तुम्हारे साथ चला जाऊंगा। स्वामी ये क्या कह रहे हैं आप, सक्कू बाई तो परमात्मा में लीन हो गई है, मैं उसे कैसे ला सकती हूँ? मैंने पहले ही कहा था इन सारी समस्याओं का जिम्मेदार मैं तो हो ही नहीं सकता। जगन्नाथ ये क्या लीला है आपकी, मुझे ये किस अपराध का दंड दिया जा रहा है? दंड नहीं देवी, मैं मजबूर हूँ, उसे इस घर से भेजने वाला मैं नहीं हूँ। सक्कू बाई के यहाँ आने से पहले मैं इस घर से जा नहीं सकता देवी। हरने गंगाधरने शशिधर पुराहरने कारुण्यमूर्ति हरि विराजि सुरा सुरार्चित देव देवेशा करुणयंदले सलहो शंभो हर सुतले मई दोरी रक्षिसु ಎರಗಿ ಬೇಡುವೆ ನಿನ್ನ ಮೃತ್ಯುಂಜಯನೆ ಪರಶಿವನೆ ಮಹಾದೇವ್ ಕರುಣಾ ಸಾಗರ್ ಸಕ್ಕುಬಾಯಿ ಕೋ ಫಿರ್ ಸೆ ಜೀವಿತ ಕರ್ ದೀಜಿಯೆ ಸ್ವಾಮಿ ವೋ ಜಬ್ ತಕ್ ಅಪ್ನೆ ಘರ್ ನಹೀ ಜಾಯೆಗಿ ತಬ್ ತಕ್ ಮೇರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮೇರೆ ಪಾಸ್ ನಹೀ ಆಯೆಂಗೆ ರುಕ್ಮಣಿ परम पिता श्री हरि के लिए जगत का कोई भी कार्य असाध्य नहीं है, यदि भगवान श्री हरि चाहे तो सक्कूबाई वापस लौट सकती है। श्री हरि मेरी परीक्षा ले रहे हैं, कृपा कीजिए शिव शंकर। रुक्मणी कृष्ण की लीलाओं में से ये भी एक लीला है, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। Thank you.
प्रणाम। मैं कहाँ हूँ? यहीं पंढरपुर में। चलो बेटी तुम्हारे गांव चलते हैं, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। चलो चलो बेटी। सकु कृष्ण कहाँ है? यही तो है। कृष्ण की मूर्ति लेकर आना बेटा। माँ सासु माँ क्या हुआ तुम्हें? क्यों रो रहे हो? माँ अनर्थ हो गया। माँ क्या हुआ? कैसे कहूँ मैं आपसे? रो क्यों रहे हो? तुम्हारा जीवन बर्बाद हो गया। दिमाग खराब है आपका? माँ सकु का देहांत हो गया। बात करो, मेरी फूल जैसी बहू के बारे में कहते हुए शर्म नहीं आती? माँ मैं सच कह रही हूँ। माँ तुम दोनों पागल हो गए। पांडुरंग की भक्ति में उसने सबके सामने प्राण त्याग दिए। पागलपन की बातें मत करो। हाँ भैया मैं सच कह रही हूँ, यकीन ना हो तो ये गहने देख लो उसके। देखो देखो हमने अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया। हाँ। गहने तो सक्कू के हैं, पर ये तुम्हारे पास कैसे आ गए? भामा कैसी हो तुम? पंढरपुर गई थी क्या पांडुरंग के दर्शन किए? ऐसी आंखें फाड़कर क्या देख रही हो? क्या नजर लगाएगी मेरी बहू को? अब बताओ क्या कहना है? सासुमा, सक्कू भाई, देवी, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। ये सब तुम्हारी क्या लीला है पांडुरंग? यजमान, पूजा का समय बीता जा रहा है, कृपया जल्दी आइए, संकल्प लेना है। तुम रुक जाओ, बैठिए, फिर से देखो, वही है ना? बैठिए। ये तो सब कुछ ऐसी लगती है, समझ में नहीं आता। अजी, मुझे तो लगता है ये भूत नहीं है। नहीं, वो भूत नहीं हो सकती, उसके पैर सीधे हैं। रुक जाइए। पांडुरंगा, ये कैसे हो सकता है? यहाँ भी सकू, वहां भी सकू। सासुमा, ये सिर्फ दो ही नहीं है, एक तीसरी भी है जिसका अंतिम संस्कार हमने किया है अपने हाथों से। हे पांडुरंग, ये क्या हो रहा है? कौन हो बेटी तुम? मेरी बहू के जैसी दिखती हो। अरे अरे माँ जी, मैं आपकी सक्कू हूँ। तो फिर ये कौन है? वो कौन है मैं नहीं जानती। मैं इस घर का उद्धार करने के लिए आई हूँ। माँ जी, सच कह रही हूँ, पांडुरंग की सौगंध, मैं ही आपकी बहू हूँ। क्या? देखने में तो दोनों एक जैसी ही लगती हैं, पर इन दोनों में से असली कौन सी है ये समझ में नहीं आ रहा है। अभी पता लगाती हूँ। अच्छा, काकी ये कौन है? यही तो है सकू बाई। इसे कहाँ से लाई तुम? शमशान से। सकू क्यों हंस रही हो बेटी? तो और क्या करूं माँ जी, ये तो रीत है कि इंसान को एक न एक दिन मरना ही होता है और शमशान जाना ही पड़ता है। फिर भी शमशान का नाम सुनते ही देखिए ना लोग कैसे भाग गए। काकी, तुम्हारा काम हो गया क्या? हाँ हो गया बहन जी, यही तुम्हारी बहू है। अब भी शंका है माँ जी, एक ही रात में आपने सारा गेहूं पीसकर आटा बनाने के लिए मुझसे कहा था। रंगा रंगा का नाम लेकर जब मैंने पंढरपुर जाने की इच्छा की पांडुरंग के दर्शन के लिए, तो आपने मुझे बांध कर यही रखा था। कुछ याद आया आपको? सब ठीक बोल रही हो तुम। क्या ठीक है, एक सवाल पूछती हूँ। अगर तुम्हें इन्होंने बांध कर रखा था तो तुम पंढरपुर भला कैसे गई? अब बताओ ना कि सच बात क्या है। क्यों जी, आप भी ये भूल गए क्या? आप ही ने तो रस्सी खोलकर मुझे पंढरपुर जाने के लिए कहा था। मैंने? झूठ है, बिल्कुल झूठ है। मेरी सक्कू कभी झूठ नहीं बोल सकती। माँ, ये कोई दूसरी औरत है, भगा दीजिए इसको यहाँ से। बहन जी, आप कौन है मैं नहीं जानती,
क्यों यहाँ पर आई है वो भी मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने क्या अपराध किया है, आपका क्या बुरा किया है, क्यों मुझे इस तरह तकलीफ दे रही है? कहिए ना बहन जी, कौन है आप, क्यों इस तरह तकलीफ दे रही है, कौन है आप? अरे पगली, मैं कौन हूँ नहीं समझ पाई? तो फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो। रंगा स्वामी, अरे प्रभु, पांडुरंगा प्रभु, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई, तुम्हें ढूंढते हुए कहां कहां भटक रही थी। पांडुरंग, इतने दिनों तक आप मेरे साथ रहे और मेरी सेवा करते रहे। पांडुरंग, कृष्णा, मेरे स्वामी। कृष्णा, तुम कितने दयालु हो, मुझ जैसे पापिन का भी तुमने उद्धार कर दिया प्रभु। पांडुरंगा, अनजाने में मैंने तुम पर ही जादू टोना कर दिया था। ठीक है ठीक है, तुम जैसे लोग और कर भी क्या सकते हैं, पांडुरंग ने तुम्हें माफ कर दिया है। वासुदेव, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो मुझे दर्शन नहीं दिए? कृष्णा, देवकी नंदन, करुणा सागर, मुझे पुनर्जन्म क्यों दिया आपने, मुझे इस संसार में दोबारा वापस क्यों लाए स्वामी? नहीं प्रभु नहीं, मुझे अपने पास बुला लो, मुझे अपने पास बुला लो, अपने पास बुला लो। सक्कू, अपने पास नहीं, सक्कू, बुला लो। नहीं सक्कू, मैं मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। नहीं नहीं भाभी, नहीं लो प्रभु, अपने पास बुला लो। नहीं बेटी, नहीं भाभी, ऐसा मत छोड़कर मत जाओ भाभी, भाभी नहीं, ऐसा मत करो भाभी। पांडुरंगा, 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 भाभी भाभी। सक्कू भाई, उठो। प्रभु, पांडुरंगा, पांडुरंगा। सक्कू भाई, तुम्हें पंढरपुर भेजने वाला मैं ही हूँ। मेरे लिए ही तुम पंढरपुर गई थी और तुम्हारा रूप लेकर मैं इस घर में था। मेरा प्रेम तुम्हें वहां खींच ले गया और भक्त का प्रेम मुझे यहाँ खींच लाया। इस तरह अब यह संसार आनंद का सागर बन गया है। तुम्हारा कार्य पूरा नहीं हुआ, तुमसे ही भक्ति का मार्ग आगे बढ़ेगा, भक्ति की महिमा बढ़ेगी। इस संसार में रहकर भी भक्त मुक्ति पा सकते हैं, इस बात का ज्ञान सबको होना चाहिए।